सर अहम ब्रास में, अहम ब्रह्मास्म में, अहम ब्रास में इस मूवी के बारे में, संस्कृत के अंदर ही आ रही है पहली मूवी, हमने अपने भाई कम ही मूवीज देखी है, तो क्या कहेंगे सबसे पहले संस्कृत की मूवी के बारे में और आपके इस हालात के रोल के बारे में? मैं कहना चाहूँगा कि हम ब्रह्मास में एक संस्कृत बने पहले फिल्म जरूर है, जिसमें लाखों वर्ष पुराने पुराने भाषा है संस्कृत, और बाहर के आक्रमणकारियों की वजह से संस्कृत का बहुत नुकसान हुआ है। बाहरी भाषा हमने लिए अरबी सीखा, अंग्रेजी सीखा, उसको भूलें तो उसको उसकी पुनर्निर्माण के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए उसको निर्माण किया। जी हम लेकिन कौन करेंगे क्या लगता है कि हमारा जो आज का यूथ है, मतलब देखिए जो इस फिल्म के निर्माण में जेएनयू का लगा 2016 का नारा था, भारतीय गैंग ने लगाया था बड़े अच्छा, उसका मेरा जवाब है कि लोग अपनी सनातनता को भूले नहीं, अपने जड़ों को जाने, उसको पहचाने, उसके लिए संस्कृत बोलना जरूरी है, संस्कृत जानना जरूरी है। मैंने उसके निर्माण किया और अच्छी फिल्म बनाई है, आज़ाद आज़ाद खुद काशी विद्यापीठ के अच्छे विद्यार्थी रहे संस्कृत के, तो अत्यंत मैंने छूने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ अच्छा हो। सर आपके अकेले से ये भाषा बच पाएगी क्या प्रयास से? सर मैंने कोशिश की है, आज मैं अकेला जरूर मिलकर आने वाला कल देख रहा हूँ, भारत आने वाले कल मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चा बच्चा अपने हाथ भगवा ध्वज लिए हुए और भारत माता जय बोलता हुआ संस्कृत बोल रहा है, संस्कृत पी रहा है, संस्कृत खा रहा है, संस्कृत सोच रहा है। आपने विषय में देश प्रेम को लेकर लिया, आज़ाद का आपने किताब को निभाया, तो दोनों और संस्कृत को उठाना और देश प्रेम को साथ साथ जोड़ा है। आज़ाद काशी विद्यापीठ में कुछ संस्कृत के में स्कॉलर थे, कह सकते हैं कि वहाँ पर रह चुके हैं, तो संस्कृत आज़ाद के बहाने सब संस्कृत जाने, यानी हमारे पुरातन सनातन को लेंगे हम लोग, तो संस्कृत हमारी जो मूल भाषा थी, हम सैकड़ों भाषाओं की जर्नी संस्कृत रही है, जो मृतप्राय है, तो पीड़ित है, हम कोशिश नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, हम कोशिश है कि लोग तो पहुँचे तभी हम लोग यहाँ पे आए हैं। समाज सिनेमा का आना है, मैं कोई किताब लिखता कुछ करता हूँ उनको सीमित हो जाती है, सिनेमा के माध्यम से हमको हर वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ लोग रहते हैं। सिनेमा का जो फिल्म है, कई भाषा ऐसी है भारत की भी जो समझ नहीं आती है, देखते फिल्मों के माध्यम से, और संस्कृत आप समझोगे, बहुत सरल भाषा है कहूँगा, मतलब कहने वाला भाषा है, जैसे एकम सत्य विपरा बोधा बनती कहने के लिए एक शब्द बोलते हैं, ज्ञानियों के उत्साह लक्ष्य मतलब ज्ञानी एक ही विषय कई प्रकार से बोलते हैं, वो ये भाषा है, ये भाषा रखी जाओगे इससे आसान भाषा आपको दिखेगी नहीं। जहाँ आपने उपयोग शुरू किया आपको लगे ऐसे अच्छा भाषा निकाली, हम श्लोक में पंडित पूजे पूजा अपने साथ सुनते इस बात को, लेकिन चाहूँगा लोग जाने समझे कई समस्याओं का समाधान है संस्कृत में, 14-15 हज़ार शब्द इंग्लिश करते हैं उसे इस्तेमाल करते हैं, लाखों शब्द हैं और अपार संपदा होने के बाद भी संस्कृत पीड़ित है, तो हमने कोशिश की है उनको पहुँचे, जो उम्मीद है कि कल भारत का संस्कृत में होगा। सर और भी तरीका होता है भाषा को प्रमोट करने का, लेकिन ये तरीका क्या? ये तरीका आसान है, वो कठिन है, बोला लेकिन लोग फिल्म देखते हैं, थिएटर है कई जगह जाए, मतलब इसका इसके माध्यम से सैकड़ों थिएटर पहुँचोगे वहाँ लोगों तक पहुँचोगे, सिनेमा एक आसान माध्यम लोगों तक पहुँचने का, कई किताबें जैसे वेद है, उपनिषद है, पुराण है, कितनी जानकारी आपको महाभारत कितनी जो मूल लिखी संस्कृत के अंदर है कि आपने पढ़ा नहीं, लेकिन आपको सड़क पर लिखी भाषा उतरता हो, आप घर के पास की थिएटर में उतरता हो तो आपको आसानी होगी, चलिए कोशिश करते हैं हर एक व्यक्ति कोशिश। हर थिएटर में सर मूवी पहुंच पाएगी क्या? तभी तो जन जन तक, बिहार के कुछ ऐसे प्रांत हैं, झारखंड के कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ की ये भाषा है लेकिन वहाँ पहुंच नहीं पाएगी मूवी, मुझे लगता है आप वहाँ पहुँचाएंगे क्या? कॉम्प्लीट हो गया भारतीय सिनेमा की बुनियाद, जिसने भारतीय सिनेमा खड़ा किया, पिक्चर उसे बनाई, उसे मौका दिया काम करने का, साथ में सरकार की तरफ से कुछ आपको नहीं, सरकार अपना काम करेगी, हम घर में खाना खाते रहते हैं, हर काम सरकार नहीं सरकार को लेना करेगी, सरकार उसे काम नहीं कर, सरकार तो साथ करेगी, लेकिन सरकार की जरूरत नहीं, हम भी कुछ काम करें, हर बात की सरकार निर्भर क्यों? नहीं टैक्स नहीं, पैसा तो देखो पैसा पैसा देश काम आएगा, अब टैक्स आएगा, सड़कें बनेंगी, निर्माण होगा, गरीब लोग देख पाएंगे सब देखेंगे और जरूर देखेंगे। आम ब्रह्मास्त्र One day.